नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2020 का आज 50वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेला जाना है। यह मुकाबला आज अबू धाबी के मैदान पर खेला जाएगा, जहां पर प्ले ऑफ की रेस में बने रहने के लिए यह मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के लिए जीतना काफ़ी जरूरी है। तो वहीं पर किंग्स इलेवन पंजाब सीजन की 7वीं जीत के लिए मैदान पर उतरेगी। अगर आज किंग्स इलेवन पंजाब इस मुकाबले को जीत लेती है तो उनका क्वालिफिकेशन में काफ़ी आगे पहुंच जाएगी, क्योंकि उनकी रन रेट इस समय काफ़ी शानदार है। इसके बाद वो टीम यहाँ पर सिर्फ उन्हें टक्कर दे सकती है सनराइज हैदराबाद। वहीं पर इसके अलावा हम बात करें दोस्तों दोनों टीमों की प्लेइंग 11 हम आपको बताएंगे, साथ ही हेड टू हेड मुकाबलों में कौन सी टीम का है पलड़ा भारी ये हम आपको बताएंगे, और साथ ही बताएंगे हम आपको पिच रिपोर्ट, दोनों टीमों की ताकत और कमजोरी, यानी कि तमाम जानकारी इस मुकाबले से जुड़ी हुई आपको देने वाले हैं। तो ये सब जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को पूरा अंत तक। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप भी चाहते कि आज के मुकाबले में आपकी फेवरेट टीम इस मुकाबले को धमाकेदार तरीके से जीते। तो दोस्तों, आईपीएल के 13वें सीजन का आज 50वां मुकाबला खेला जाना है। किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि राजस्थान के लिए मैच एलिमिनेटर की तरह है। अगर स्मिथ की टीम ये मैच हारती है तो वह उनके लिए प्ले ऑफ के दरवाजे बंद हो जाएंगे और वह चेन्नई के बाद टूर्नामेंट से बाहर होने वाली दूसरी टीम बन जाएगी। लेकिन वहीं अगर वो मुकाबला जीती है तो प्ले ऑफ की रेस में बने रहने के लिए उन्हें एक और मुकाबला जीतना होगा, यानी कि पूरी तरह से एलिमिनेटर की तरह है राजस्थान रॉयल्स के लिए मुकाबला। तो वहीं पर किंग्स इलेवन पंजाब आज सीजन की 7वीं जीत दर्ज करने के लिए मैदान पर उतरेगी। फिलहाल वो पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर है और वहीं पर बरकरार रहना चाहेगी आज का मुकाबला जीतकर। और आज का मुकाबला अगर अच्छी रन रेट के साथ ये टीम जीतती है तो फिर इनका प्ले ऑफ में पहुँचना भी आगे के लिए आसान हो सकता है। अगर आखिरी मुकाबला जो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलना है इनको, अगर वो मुकाबला हारती भी है तो भी इस टीम के पास चांस रहेगा अगर बेहतर रन रेट कर सकती है आज के मुकाबले में। तो वहीं पर दोनों टीमों के बेस्ट रन गेटर खिलाड़ियों की बात करें तो इसमें पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल और उनके साथी ओपनर मयंक अग्रवाल शानदार फॉर्म में हैं। राहुल ने सीजन में अब तक सबसे ज़्यादा 595 रन बनाए हैं, तो वहीं पर मयंक अग्रवाल ने 398 रन बनाए हैं। हालांकि मयंक अग्रवाल पिछले दो मुकाबले नहीं खेले चोट के चलते, तो उम्मीद है कि आज वो पूरी तरह से फिट होंगे और यहाँ पर खेलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा क्रिस गेल और निकोलस पूरन से भी टीम को काफ़ी कुछ उम्मीदें रहेगी। साथ ही इस टीम के लिए यहाँ पर पिछले मैच में शानदार पारी खेली थी मनदीप सिंह ने, तो उनसे भी उम्मीदें रहेगी। वहीं पर राजस्थान रॉयल्स की जिम्मेदारी संजू सैमसन और स्टीव स्मिथ पर रहने वाली है। राजस्थान की बल्लेबाजी का दारोमदार इन दोनों खिलाड़ियों पर रहेगा। सैमसन ने सीजन में अब तक 326 रन बनाए हैं, तो वहीं पर स्टीव स्मिथ ने 276 रन बनाए हैं। इसके अलावा टीम के लिए राहुल तेवटिया ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो वहीं साथ ही साथ बेन स्टोक्स ने पिछला मुकाबला शानदार शतक लगाकर जिताया था। इसके अलावा इस टीम के पास जॉस बटलर जैसा खतरनाक खिलाड़ी भी मौजूद है, यानी कि टीम के पास वैसे तो बल्लेबाजी काफ़ी खतरनाक है, तो उम्मीद है कि आज के मुकाबले में इस बल्लेबाज शानदार प्रदर्शन करके दिखाएंगे। वहीं पर दोनों टीमों के बेहतरीन गेंदबाजों की बात करें तो अब तक मोहम्मद शमी ने 20 विकेट लिए पंजाब की तरफ से। सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कंगिसो रबाडा के बाद अब मोहम्मद शमी दूसरे नंबर पर है, जिनके 20 विकेट है। इसके अलावा इस टीम की तरफ से अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई ने भी काफ़ी शानदार गेंदबाजी की है, और इन गेंदबाजों के दम पर टीम ने कई मुकाबले भी जीते हैं, तो उम्मीद है आज भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। वहीं पर राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी का तार रहे हैं यहाँ पर जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने अब तक इस सीजन में 17 विकेट लिए हैं। वहीं पर सबसे ज़्यादा डॉट बॉल फेंकने के मामले में भी आर्चर सबसे आगे हैं, उन्होंने सीजन में अब तक 147 डॉट बॉल फेंकी है, यानी कि आर्चर की घातक गेंदबाजी के सामने टिकना मुश्किल होगा पंजाब के बल्लेबाजों का। लेकिन इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर कार्तिक त्यागी और उनके साथ श्रेयस गोपाल, और साथ ही साथ बेहतरीन गेंदबाजी की है अब तक राहुल तेवटिया ने, यानी कि गेंदबाजों से उम्मीद रहेगी इस टीम को इस मुकाबले में भी। वहीं पर दोस्तों, अब हम दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स अब तक आईपीएल के इतिहास में 20 बार आमने सामने हुए हैं, जिसमें किंग्स इलेवन पंजाब को 9 बार जीत मिली है, तो वहीं पर राजस्थान रॉयल्स को 11 मुकाबलों में जीत मिली है, यानी कि राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी है। लेकिन वहीं पर आईपीएल 2020 में जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई तो काफ़ी रोमांचक मुकाबला हुआ था। पंजाब के खिलाफ ही राजस्थान ने आईपीएल का सबसे बड़ा टारगेट चेज किया था। शारजाह में खेले गए सीजन के 9वें मैच में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट पर 223 रन बनाए थे। जवाब में राहुल तेवटिया की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत राजस्थान ने 3 बॉल शेष रहते ही 6 विकेट खोकर मैच जीत लिया था। संजू सैमसन और स्टीव स्मिथ ने भी इस मुकाबले में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन पंजाब की तरफ से भी शानदार प्रदर्शन किया था लोकेश राहुल और मयंक अग्रवाल ने, जहाँ मयंक अग्रवाल ने शानदार शतक लगाया था। लेकिन इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने बाजी मारी थी, क्योंकि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए राहुल तेवटिया ने एक ही ओवर में 5 छक्के लगाए थे सेल्डन कोटरेल के एक ही ओवर में, और जीता हुआ मुकाबला राजस्थान रॉयल्स को जिता दिया था। यानी कि अब तक बात करें हेड टू हेड मुकाबलों की तो यहां पर पंजाब के ऊपर राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी रहा है।
तो आज के मुकाबले में एक बार फिर रोमांचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि किंग्स इलेवन पंजाब चाहेगी कि उस बड़ी हार का बदला आज के मुकाबले में लेकर यहां पर राजस्थान रॉयल्स को बाहर का रास्ता दिखाए, तो वहीं पर एक बार फिर यहां पर जीत के साथ उतरेगी राजस्थान रॉयल्स। वहीं पर दोस्तों अब दोनों टीमों की ताकत और कमजोरी की बात करें तो इस समय यहाँ पर किंग्स इलेवन पंजाब की ताकत उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही है। पिछले 5 मुकाबले लगातार इस टीम ने जीते हैं, तो उनके चलते यहाँ पर इस टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी में एक अलग ही धार देखने को मिल रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस समय किंग्स इलेवन पंजाब की कमजोरी नज़र नहीं आ रही, जबकि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों जगह पर इस टीम की ताकत देखने को मिल रही है, जिसके चलते इस टीम ने लगातार 5 मुकाबले जीते हैं और आज 6ठा मुकाबला जीतने के लिए मैदान पर उतरेगी। तो वहीं पर राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो इनकी ताकत इनकी बल्लेबाजी में नज़र आती है, क्योंकि दुनिया के कई खतरनाक बल्लेबाज इस टीम में शामिल है। संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक्स और जोस बटलर इस टीम में शामिल है। यानी कि खतरनाक बल्लेबाजी है, लेकिन गेंदबाजी भी इस टीम के पास काफ़ी शानदार है, जहां पर 2 खिलाड़ी बेहतरीन गेंदबाजी करें, जिसमें जोफ्रा आर्चर सबसे खतरनाक गेंदबाजी इस टीम के, तो साथ ही साथ सरेश गोपाल ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। यानी कि हम कह सकते हैं इस टीम की बल्लेबाजी ताकत है, लेकिन गेंदबाजी में यहाँ पर थोड़ी कमजोरी नज़र आती है इस टीम की। वहीं पर अब हम पिच रिपोर्ट और ग्राउंड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो पिच यहाँ पर बैटिंग के लिए आसान है, लेकिन दूसरी पारी में यहाँ पर गेंदबाजों को मदद जरूर मिलेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक बार फिर यूएई में ड्यू फैक्टर आने लग गया है। तो यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगी, क्योंकि बाद में गेंदबाजी करना फिर आसान नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर पिच बल्लेबाजी के लिए थोड़ी आसान नज़र आती है। वहीं पर ग्राउंड रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक अबू धाबी में 17 T20 खेले गए इस साल, जिनमें से 8 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। वहीं पर चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किंग्स इलेवन पंजाब की, तो इनकी तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे आज लोकेश राहुल और साथ में मयंक अग्रवाल। अगर मयंक अग्रवाल पूरी तरह से फिट हुए तो वो उतरेंगे, नहीं तो फिर मनदीप सिंह यहाँ पर उतरेंगे। वहीं पर नंबर 3 पर क्रिस गेल उतरेंगे, तो नंबर 4 पर निकोलस पूरन उतरने वाले हैं। वहीं पर नंबर 5 पर ग्लेन मैक्सवेल और आज दीपक हुड्डा अगर मयंक फिट होते हैं तो फिर उन्हें उनकी जगह पर मनदीप सिंह खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पर नंबर 7 पर क्रिस जॉर्डन उतरेंगे, तो नंबर 8 पर मुर्गन अश्विन उतरने वाले हैं। इसके बाद नंबर 9 पर रवि बिश्नोई, 10 पर अर्शदीप सिंह और 11 पर मोहम्मद शमी उतरेंगे। यानी कि बेहतरीन बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप इस टीम के पास मौजूद है और पिछले कुछ मुकाबलों से काफ़ी कमाल कर रही है टीम, तो आज के मुकाबले में भी यही उम्मीद की जा सकती है इससे। वहीं पर अब राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो इनकी तरफ से रॉबिन उत्तप्पा और बेन स्टोक्स उतरने वाले हैं। दोनों खिलाड़ियों के पास काफ़ी शानदार अनुभव है और साथ ही बेन स्टोक्स के पास शानदार फॉर्म मौजूद है। तो वहीं पर नंबर 3 पर कप्तान स्टीव स्मिथ उतरेंगे, जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो वहीं पर नंबर 5 पर संजू सैमसन उतरने वाले हैं, जिनसे काफ़ी बड़ी उम्मीदें होगी और आईपीएल 2020 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं, तो इनसे आज एक बार फिर बड़े हिट देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं पर नंबर 5 पर जोस बटलर, 6 पर रियान पराग, नंबर 7 पर राहुल तेवटिया, तो नंबर 8 पर जोफ्रा आर्चर उतरने वाले हैं। इसके बाद नंबर 9 पर सरेश गोपाल उतरने वाले हैं। वहीं पर आज अंकित राजपूत की जगह पर जयदेव उनादकट को मौका दिया जा सकता है। तो वहीं पर नंबर 11 पर कार्तिक त्यागी उतरेंगे। यानी कि इस टीम के पास बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन उम्मीद है कि आज बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में नजर आएंगे। तो दोस्तों दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जानने के बाद आपको क्या लगता है कि आज के मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी, राजस्थान रॉयल्स या फिर किंग्स 11 पंजाब? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।